दोस्तों कैसे हैं। आज 22 अप्रैल 2019 है और कोई भी मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे, आप इस वीडियो को देखे होंगे जो मैंने पहले दिया था, वीकली व्यू दिया था और पुट पे पोजीशन के लिए आपको रेकमेंड किया था। तो आज ही आपको बहुत फायदा हुआ होगा और आज ही मार्केट में देखा आपने, अच्छी खासी गिरावट आपने को देखने को मिली और 535 पॉइंट गिरा आज। और अभी भी शायद 29,400 पे एक सपोर्ट ले तो ले, नहीं तो फिर 29,000 की ओर जाता हुआ आपको ये दिख सकता है। तो ऐसा एक करेक्शन है और सिर्फ करेक्शन है, कोई ये फॉल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा गिर जाएगा। ये सिर्फ एक जो ऊपर करेक्शन गया और ऊपर गया हुआ है वहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन बता रहा है। तो 29,400 के पास हो सकता है वो सपोर्ट ले, नहीं तो 29,100 के पास, 29,200 के पास सपोर्ट लेके फिर वहाँ से ऊपर जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। आरबीएल बैंक में लेकिन एक चीज़ आपको देखने लायक चीज़ है, कितनी फॉल होने के बावजूद आरबीएल बैंक में आपको गेन दिखा रहा है, पॉजिटिव बाइनेस दिख रहा है। तो आरबीएल बैंक पे ध्यान दें। और आज के देखेंगे तो आज 22 अप्रैल को जो क्लोजिंग हुआ है उसमें एडवांस एक है जो आरबीएल है और डिक्लाइन 11 जो कि बाकी सब बैंक है। और सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हो रहा है यस बैंक और इंडसलैंड बैंक हुआ है, पीएनबी भी हुआ है 3% के साथ और बाकी सारे बैंकों में हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यस बैंक, इंडसलैंड और पीएनबी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जब आपको ये तीनों नीचे की ओर जाएं, स्पेशली येस बैंक और पीएनबी, तो आपको यहाँ बाय रिकमेंडेशन है। आप इस पर शॉर्ट की पोजीशन है तो थोड़ी दिन के लिए रहें, अदरवाइज इस पर येस बैंक में फर्दर अपडेट आपको अभी तुरंत दे दिया जाएगा। येस बैंक पे एक न्यू वीडियो अपडेट के साथ दे देंगे। कुछ दिन के लिए टाइम भी इसमें एक शॉर्ट का पोजिशन लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा ये, और येस बैंक वापस आपको अच्छा खासा पोजिशन दिखा सकता है। येस बैंक में हो सकता है रिजल्ट ओरिएंटेड भी कोई न्यूज आ सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस पोजीशन। लेकिन अगेन बोलता हूँ, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी शायद हो सकता है, लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको मिल रहा हो। तो यस बैंक में अच्छा खासा व्यू है, पॉजिटिव व्यू है। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो आप देखेंगे कल भी आपको दिखाया था ये पूरा इनगल्फ किया था, और कल ही आपको पता होता है प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आपको कि अगर ये इनगल्फ किया है तो इसके बाद फॉल के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और आज देखेंगे तो बोलिंगर बैंड के लोअर पॉइंट को तोड़ते हुए नीचे की ओर ट्राई कर रहा है, तो इसका नीचे जो पोर्शन बनता है 29,400 की ओर बनता है। तो कहीं ना कहीं ये 29,400 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो कल के डेट से वॉल्यूम थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन सेम वॉल्यूम दिख रहा है, प्राइस सेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इसको नीचे फेंकने की प्राइस करेक्शन का मोटिव ज़्यादा लगता है, इन केस ऑफ करेक्शन ही अभी समझिए आप ये, जब तक कि 29,000 के नीचे नहीं जाता है। 29,000 के नीचे जाता है वॉल्यूम के साथ जाता है तो हो सकता है फिर एक फॉल सेंटीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये करेक्शन अभी उतना नहीं है जब तक वॉल्यूम के साथ, प्राइस एक्शन भी जरूरी है इंपॉर्टेंट। तो अभी केवल ये प्रॉफिट बुकिंग के रूप में देखें, आप जहां से ऊपर गया था वहां से उतना नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखो तो अभी इसने जो डेली बेसिस पे डेमा देखो इसका देखो तो इसने क्या किया है, अभी 9 दिन का और 21 दिन का डेमा तोड़ते हुए 28,957 मतलब 29,000 की ओर जाने के लिए ये इसका जो सपोर्ट होगा यहाँ पे आके मिलेगा। 20 दिन का जो सपोर्ट था इसका 29,776 उसको तोड़ के 29,687 पे क्लोज दिया है, तो 20 दिन का डेमा तोड़ा है, कहीं ना कहीं 28,957 में 29,000 की ओर आते हुए दिखेगा। 28,957 जब ब्रेक करता है तो फिर समझिएगा एक अच्छी खासी फॉल आपको देखने को मिलेगी मेरे अंदाज से। यहाँ से इसको आप ले लेगा वो 29, जो आपको यहाँ पे दिखाया 29,400 पहला सपोर्ट तो यहाँ पे आएगा, आना चाहिए, और यहाँ से अगर तोड़ता है तो फिर हो सकता है कि वो 29,000 तक जाके आपको सपोर्ट लेके निकल जाएगा। और इसके अनुसार चलें तो 28,957 का फिर इसका जो 50 डेज का डेमा है वहाँ से ये अपसाइड श्योर ले लेगा, ऊपर लेना ही लेना है इसको, क्योंकि जो अपसाइड इसका था 30,669 का जो हाई बनाया था वहाँ से आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये आज के डेट में यहाँ अगर 28,000 जाता है तो 29,000 30,000 1,600 2,600 पॉइंट का ऑलरेडी करेक्शन, आप 29,000 30,000 1,600 पॉइंट 1,700 पॉइंट का करेक्शन हो जाएगा। बहुत होता है ये 1,700 पॉइंट का करेक्शन होना, बहुत अच्छा होता है, हो जाएगा, कब सफिशियंट रहेगा मेरे अंदाज से। उसके बाद उतना ज़्यादा भी करेक्शन आपको देखने को शायद ना मिले। तो यहाँ पे 30,500 की ओर गया तो 67,600 और
अगर दूसरी चीज़ें देखें क्यों गिर रहा है, तो उसमें देखेंगे क्रूड का एक बहुत अच्छा योगदान है। क्रूड देखेंगे तो एक 1.46 के साथ 65 की ओर जा रहा है, और ब्रेंट 73-74 की ओर आ गया है। तो कहीं ना कहीं अब ऑयल में तेजी रहेगी, हो सकता है अगर ये 75 और 75 के आगे 80 की ओर जाए तो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं रहेगा, तो मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस पोजिशन रहेगा। अगर यूएस डॉलर की बात करें तो उसमें भी कमजोरी, यूएस डॉलर स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, रुपीज़ कमजोर होते हुए दिख रहा है 30 पैसे से। इन दो कारणों से आपको मार्केट में अभी आपको गिरावट देखने को मिली होगी। और अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात कर लें, सारे इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो डॉ में जो दिख रहा है आपको यहाँ पे न्यूट्रल 67.3 पॉइंट और 17 पॉइंट से, ये न्यूट्रल पॉइंट से यहाँ पे आपको फॉल होते हुए दिख रहा है। और अगर एज ए पोर्टफोलियो आज के लिए देख ले, आज का जो पोर्टफोलियो वन वीक का, तो यस बैंक ने 10% और आज ही 6.82% का करेक्शन दिखा दिया है। वन वीक में 5.32 दिखाया बैंक ऑफ बड़ौदा ने, 2.17। ये सारे को देखें तो जहाँ पे आप देखेंगे वन वीक में सबसे ज़्यादा यस बैंक और PNB उसका बैंक ऑफ बड़ौदा ने करेक्शन दिखाया है, वहीं RBL और यस बैंक ने दोनों ने अच्छा पोजिशन, आज भी RBL प्लस में रहा है। तो RBL में एक प्लस चीज़ है, वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी देखते हुए दिखे तो कोई सरप्राइज है। ऑयल मार्केट्स में बता रहा है कि अभी भी हो सकता है कि आपको यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर मैं एक बार इसके बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव्स को देखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 29,687 के क्लोज दिया है आज का, 22 अप्रैल है, 25 अप्रैल की एक्सपायरी देख रहा हूँ मैं, तो 29,600 को देख रहे हैं, तो 29,600 में देखेंगे सिर्फ 1400 की 14,000 पॉइंट से इसको शॉर्ट किया जा रहा है। ऊपर देखेंगे तो हर लेवल पे वॉल्यूम बन रहा है, हर लेवल पे तोड़ा जा रहा है इसको, हर लेवल पे 7,30,000 पे ही आपको तोड़ रहे हैं आज, 7,40,000 से 30,000 की पोजिशन पर शॉर्ट किया जा रहा है। वहीं इस ओर देखेंगे तो आप देखेंगे 30,000 से पोजिशन अनवाइंड हो रही है, 29,000 पे कोई खास पोजीशन नहीं बनी, 67,000 का 29,800 बन रहा है, और नीचे की ओर पोजीशन बनते हुए जा रही है। लेकिन 29,500 पे देखेंगे 6,35,000 का सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, और उसके बाद सीधा 29,000 पे 3,74,000 का है। तो कहीं ना कहीं 29,500 पे मुझे लगता है कि 29,400 के राउंड आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और वहाँ से रिवर्स मार्केट जा सकती है। 29,500 पे अगर देखें LTP देखें 113.60 रुपये है, जिसकी एक्सपायरी आपको 25 अप्रैल को है, और इसके डिटेल में जाके देखें तो 29,500 पे इसका लो 30 रुपये का था, 113 रुपये के हाई दिया है, और ओपन इंटरेस्ट 37% से बढ़ा है, अभी भी इसमें बाइंग ज़्यादा है 97,000 से, और जहाँ पे सेल है वो 17,420। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक पोजीशन है जो कि आपको आपको ऊपर की ओर बनते हुए पुट की ओर पोजीशन बनते हुए दिख रही है। और अगर 30 अप्रैल की बात करें, 30 मई की सॉरी, जो मैंने आपको बताया था पहले, बताया था 30,500 का पोजीशन, अब देखिएगा 1,318 रुपये पे हो गया, जो कि 800 रुपये पे चल रहा था, वो अभी 1,300 रुपये पे आ चुका है। और अगर 31,000 का देखेंगे तो ये भी आपको उस समय 800 या 900 पे ही चल रहा था, ये 700 पे चल रहा होगा, तो यहाँ से भी ये 1,600 पॉइंट आ चुका है। मीन्स ऑलरेडी आपने जितनी आपका 40% अराउंड आप मान के चलिए, 8 का 16 है या 9 का 16 होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ से आप डबल 40-50% 60% तो प्रॉफिट, मोर देन 60% प्रॉफिट आप ऑलरेडी है। और ये मुझे याद है कि 888 के चल रहा था, वापस जब दिया था आपको वहाँ से 1,300 हुआ है, तो आप मोर देन 50% तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं यहाँ पे, अगर पोजिशन में होंगे तो। वापस एक बार 29,500 पे जब ये जाए, वापस हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो अब जो फाइनल फर्दर रिकमेंडेशन है, वापस ये अभी आपको 30,500 की ओर जाते हुए दिखे, तो वहाँ पे फर्दर पोजीशन आप पुट की बनाएं। आप ऊपर में 31,000 बहुत ज़्यादा होता है, तो 30,600 जो है पहले आप उसी को क्रॉस करना, उसको अभी करने दीजिए, तो 30,200-300 जब जाए वहाँ पे आप पुट की पोजीशन बनाएं। और मई में जो मेरा बिलीव है, हो सकता है कि वो आपको 28,500 तक देखने को मिले, 28,500 का आज की वैल्यू है 518 रुपया, आप इसे वॉच रखें, देखते रहें क्या होता है। अगर 5,518 रुपये LTTP बोले आज की डेट में बोले, तो आज देखेंगे 396 का लो था, अब गया 518, और 126% ओपन इंटरेस्ट बनता है। अगर मैं आपको ये 1,318 वाले की LTTP प्राइस दिखाऊं,
30 में की एक्सपायरी है, 30 में की 30 500 का पुट है, 1208 का लो था, 1300 का हाई बनाया, 1318 का, और यहाँ से माइनस पोजीशन में बन रही है। मीन्स यहाँ से लोग अब नीचे की ओर जा रहे हैं, पोजीशन काट के नीचे की ओर पोजीशन बना रहे हैं। तो 30500 में ऑलरेडी जो पोजीशन बन गई है अब उसको नीचे की ओर डाइवर्ट करके पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और यहाँ पे भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है पुट की ओर ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, नीचे की ओर पोजीशन बाइंग कर रहे हैं और ऊपर की ओर कहीं ना कहीं सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं। तो उससे अच्छा अभी अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे अगर आप इसको देखें 25 अप्रैल की एक्सपायरी देखें तो 25 अप्रैल की एक्सपायरी में कहीं ना कहीं 29500 पे एक सपोर्ट इसको मिल जाना चाहिए 6,35,000 का। और 29500 से जब ये ऊपर लेता रिवर्सल तो 30,000 पे 9,18,000 का और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, एक बहुत ही अच्छा है क्यूमुलेटिव जो क्रॉस करना डिफिकल्ट लगता है 30,000। अब इस वीक की एक्सपायरी तक तो 30,000 क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल दिखता है। ठीक है, 29,500 जा रहा है, जाने दीजिए, वॉच कीजिए, देखते रहिए। निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे ये छोटा सा एक ओपिनियन था मेरा, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से थोड़ा और वीक आपको दिख सकता है। 29,400 को लेवल टेस्ट करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ आप मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अब सिर्फ वॉचलिस्ट रखें, नीचे की ओर देखिए कैसे स्टेट काम करता है और कैसा करता है। अगर आपको कोई बाइंग करनी ही हो पहले रिसर्च करें, खुद स्टडी करें और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय करने के बाद इसे बाइंग या सेलिंग पोजीशन बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।